नमस्कार, न्यूज फॉर भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समिति शिवानी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की दोषी लिट्टे कार्यकर्ता नलिनी श्रीहरन को जेल से छुट्टी मिल गई है। वहीं नलिनी को मद्रास हाईकोर्ट ने 30 दिन की कारावास मिली थी, जिसके बाद गुरुवार को वह जेल से बाहर आ गए। आपको बता दें, दरअसल नलिनी ने अपनी बेटी की शादी की तैयारी के लिए मद्रास हाईकोर्ट से 6 महीने की कारावास की मांग की थी, लेकिन न्यायालय ने उसे 30 दिनों की पैनोल पर बाहर जाने की इजाज़त दी है। बता दें, फिलहाल राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी नलिनी उम्र कैद की सजा भुगत रही है। नलिनी ने अपनी बेटी की शादी के लिए उनसे कारावास की मांग की थी। वहीं नलिनी की बेटी लंदन में रहती है। कोर्ट ने उसके पैरोल की मांग को 5 जुलाई को स्वीकार कर लिया था, हालांकि उन्हें सिर्फ 30 दिन की पैरोल मिल पाई है। आपको बता दें, 21 मई 1991 को हुई पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में तमिलनाडु सरकार ने उम्र कैद की सजा काट रहे 7 दोषियों की रिहाई के लिए मद्रास हाईकोर्ट को आश्वासन दिया था, जिसमें डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने कहा था कि संविधान की धारा 161 के तहत 7ों को रिहा करने का आग्रह किया जा चुका है। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर भारत। धन्यवाद।